प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और ऑल एमएम कोर्ट्स और सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि जब पुलिस जो है 154 और 154 3 सीआरपीसी का वायलेशन करती है, आदमी बहुत सारी 100 नंबर की कॉलें होती हैं, लिखित कंप्लेंट होती हैं, मौखिक कंप्लेंट होती हैं, जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ललिता कुमारी वर्सेस यूपी एंड अदर्स के अंदर है, 5-5 बैंक की जजमेंट में, उसके अंदर ये भी बाद में तय हुआ कि 5 में उसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी बिफोर एफआईआर आईओ या पुलिस एफएसओ कर सकती है। पर देखने में आता है कि जब ये इंक्वायरी होती है तो बहुत सारे केसेस के अंदर पुलिस ये बात बोलती है कि आरोप जो है साबित नहीं हो सके, क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होते, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट नहीं करती पुलिस, प्रॉपर विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करते, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होते हैं जैसे मोबाइल की सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज और इस तरह के कई ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको ये रिकॉर्ड नहीं करते, और जिसकी वजह से जो है बाद में पुलिस उसको जो है कई बार जल्दी और नहीं तो बोर्ड लटका के ऐसे कई उदाहरण है और लिख देते हैं कि भाई ये आरोप साबित नहीं हो सके। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब व्यक्ति 156(3) की एप्लीकेशन में संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास पहुंचता है गुहार लगाने के लिए कि जो उसकी कंप्लेंट के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील्ड हो रहे हैं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश पास करे जाएं, और जो एविडेंस उससे कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और जो पुलिस ही कर सकती है या अन्य कोई गवर्नमेंट से कलेक्ट हो सकते हैं, वो तो कोर्ट के सामने ये बात रखता है। तो कोर्ट को ये देखना चाहिए कि अगर ये सब बातें हैं और एविडेंस ऐसे हैं कि जो पुलिस को कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज कर मतलब कोर्ट जनरली पुलिस को ऑथराइज करती है, तो वो कंप्लेनेंट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकता, इन उस कंडीशन के अंदर जो है एफआईआर का ऑर्डर हो जाना चाहिए। और कई केसों में ऐसा हुआ, खासतौर से चीटिंग के केसेस में मैंने देखा कि जब एफआईआर के ऑर्डर हो जाते हैं तो वही ये पुलिस कहती है कि आरोप साबित नहीं हो सकते, कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर देती है, आरटीआई में विक्टिम को दे देती है, और यहाँ तक भी कहती है कि ये मैटर सिविल है, इसका कोई पुलिस का काम नहीं बनता, इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे केसों के अंदर जैसे एफआईआर के ऑर्डर होते हैं, पुलिस तुरंत तत्काल जो भी एक्यूज उसके अंदर एफआईआर के अंदर होता है वो उसको अरेस्ट करने पहुंच जाती है, और ये बात बड़ी गंभीर है। और फिर जब अरेस्ट होने के बाद अगर उसकी बेल हो जाती है तो फिर दो दो तीन तीन साल तक एफआईआर फाइल नहीं करते, चार्जशीट फाइल नहीं करते, कोर्ट के अंदर कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती, और सालों सालों तक ऐसे भी कई किस्से रानीवा पुलिस के हैं, पूर्व एसएचओ प्रवीण लावत का एसआई संदीप वगैरह के, कि जब चार्जशीट फाइल 2-3-19 को हो गई और आज तक कोर्ट के अंदर 40 महीने के लगभग हो गए, कोर्ट कई डायरेक्शंस दे चुकी 20-25, तब भी आईओ कोर्ट के अंदर अपीयर ही नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट भी क्यों नहीं इतना बारीकी से संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को देखता कि अपने ही ऑर्डर का कंटेंट पुलिस कर रही है, उनको कंप्लाई नहीं कर रहे और उनके पास रिमेडी होती है, अगर कोई और साधारण आदमी अगर ऐसा ऑफेंस करता है तो कोर्ट तुरंत बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, 82-83 प्रोसीडिंग की संपत्ति जब्त कर लेते हैं, और इन पुलिस वालों को इतनी रिपोर्टी मिल रही है कि इनके प्रमोशन हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उन थानों के अंदर भी इनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं एक्सट्रोजन के, उगाई के, मार पिटाई के, लेकिन कोई कंडक्ट इनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड बना के कोई भी विभाग दिल्ली पुलिस का इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उल्टा इनको प्रमोशन दी जा रही है और मनमानी अच्छे थानों के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग और बीटों के अंदर इनके अंदर डिवीजन अफसर बनाया गया। कई और ऐसे हैं, खासतौर से रानीबाग थाने के सब इंस्पेक्टर एसआई संदीप, उसके ऊपर एसआई प्रवीण, कांस्टेबल अजय, कांस्टेबल प्रवीण यादव, हेड कांस्टेबल भगत सिंह, ये सब लोग एकदम पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं। तो मैं ही आज ये आपके साथ सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं नॉर्थ वेस्ट रोनी कोर्ट के, उनको ध्यान देना चाहिए, संबंधित मजिस्ट्रेट्स भी इस चीज़ को देखें कि कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई नहीं हो रहे, 25-25 ऑर्डर कंप्लाई नहीं हो रहे, और कोर्ट 22/2018 का भी एक केस के अंदर ऑर्डर कंप्लाई नहीं कर पा रहा रानीवा पुलिस के खिलाफ, आयोग की पूरी दादागिरी चल रही है, 15/3/18 की इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में नहीं आ रही। तो मैं आज मेन बात ये कंक्लूजन पे आपको आऊँगा कि पहले पुलिस इंक्वायरी करती है, कहती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सिविल मैटर है, कोर्ट जब एफआईआर का ऑर्डर कर देती है तो तुरंत उसको अरेस्ट करने पहुंच जाती है, और अरेस्ट करने के बाद जब कोर्ट से बेल हो जाती है तो कोर्ट फिर इन्वेस्टिगेशन करना भूल जाती है। तो ये जो संबंधित आईओ का कंडक्ट रहता है, मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर केस डायरी के हिसाब से और उनकी डीडी एंट्री के हिसाब से प्रॉपर मिनट्स घंटे के मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए कि उसने कितने दिन और क्या घंटे इंक्वायरी करी है और कितना कारण से जानबूझकर न्यायालय का
और पुलिस का और सरकारी कार्यालय का पावर का दुरुपयोग किया और जानबूझ के चार्जशीट डिले करी है ताकि ट्रायल कमजोर हो जाए और बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए गवाहों के और उनके, और जिससे कि वो लोग बच के निकल जाए। और इसमें कई बार ये होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर चेंज हो रहा है, पुलिस का अधिकारी चेंज हो रहा है, SHO चेंज हो रहा है और जज साहब चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि केस कमजोर होता है, ट्रायल कमजोर होता है और ऐसे में अपराधी बच के निकल जाता है, जिसका सीधा सीधा कारण पुलिस होती है। पुलिस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करना, समय पर जांच ना करना, पूरे एविडेंस कलेक्ट ना करना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ना करना, पब्लिक विटनेस रिकॉर्ड ना करना, प्रॉपर 160 CRPC 91 CRPC के नोटिस इशू ना करना, और लंबे साल तक कोर्ट चलते रहते हैं, पुलिस को इनके खिलाफ सजा नहीं होती, और कई बहुत सालों के बाद अगर जाके कहीं 12-15 साल के बाद जाके कहीं कोर्ट से अगर कोई फैसला भी होता है मेट्रो प्रोविंसियल से, उसको फिर रिविजन में चैलेंज कर देते हैं सेशन में, फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का इनके पास रास्ता होता है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, मैं चाहूँगा कि ये प्रैक्टिस और ये जो टैक्टिस है पुलिस की, इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। और इसी के लिए मैं आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश तन्ना जी, जिन्होंने बहुत प्रयास किए हैं दिल्ली पुलिस की छवि सुधारने के लिए और करते आ रहे हैं, मैं जरूर चाहूँगा कि वो इस ओर ध्यान दें ताकि देश का जो पब्लिक का कर के पैसे से ये सब न्यायपालिका पुलिस का प्रशासन जो चलता है, एक पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से ड्यूटी बाउंड होता है, उसका काम है संविधान की रक्षा करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना ताकि सच सामने कोर्ट के सामने आए और सही आदमी को सजा मिल सके। तो ये मैं आज प्रार्थना करता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि रोहनी कोट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट आदरणीय इंदर सिंह सोहा साहब और समस्त जितनी भी बार्स हैं दिल्ली के अंदर, वो सब मिलके एक यूनाइट स्तर के ऊपर इस बात को उठाएं, PIL में उठाएं, ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने, हाई कोर्ट्स के सामने, दिल्ली हाई कोर्ट, ताकि इसके अंदर आने वाले समय में सुधार हो सके, गाइडलाइन जारी हो सके जरूरी, जिससे कि इस तरह की प्रैक्टिस पे लगाम लग सके कि जो केस फर्जी दायर होते हैं, जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन डिले होती है या पुलिस इतना डेस्परेट हो जाती है, FIR दर्ज होते ही अपने ही स्टेटस रिपोर्ट में जहाँ कह रहे हैं आरोप साबित नहीं हो रहे, सिविल है और फिर अरेस्ट के लिए पीछे भागती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर 156(3) के अंदर अगर कोई FIR के ऑर्डर पास होते हैं तो 156(3) में विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के, मैं ये समझता हूँ कि उसकी अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, कोर्ट के परमिशन के बगैर अरेस्ट नहीं होनी चाहिए या संबंधित DCP के बिगर लिखित कार्रवाई के अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये पावर IO से छीन लेनी चाहिए। कम से कम इसके अंदर DCP या SP रैंक का अधिकारी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट खास अगर उसके डायरेक्शन में कर रही है तो उसकी परमिशन के बगैर या उसको सेटिस्फाई किए बगैर FIR नहीं होनी चाहिए। यही आज मेरे शब्दावली का सहारा है और उसके लिए मैं तमाम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और उन सभी अधिवक्ताओं को भी नमन करता हूँ जिनका समय समय पर मेरे को मार्गदर्शन मिलता रहता है और उनके ही मार्गदर्शन से मिले हुए अनुभव को और अपने अनुभव को साझा करके जोड़ के मैं आम जनता के साथ ये सरल भाषा में साझा करता हूँ ये इन्फ्रास्ट्रक्चर, ताकि आम लोगों तक जस्टिस रिव्यू हो सके, लोग अंदर उस न्याय के प्रति उम्मीद बनी रहे जो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने टाफ करके ये दिया था। और IPC 1860 का भी मैं आज आपको बताता हूँ, बहुत सारे सवाल मेरे पे आ रहे थे कि IPC 1860 को ड्राफ्ट करने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकेले, उसने इसको ड्राफ्ट किया था, ये आज मैं सवाल बता रहा हूँ। बहुत सारे यंगर्स एडवोकेट्स भी मेरे से पूछते रहे हैं, काफ़ी सारे पुलिस अधिकारी भी पूछते रहे, तो ये आज इन सबके लिए मैं बता रहा हूँ इस प्रसंग का जवाब कि IPC 1860 को लॉर्ड मैकेले ने ड्राफ्ट किया था और इसके बाद अगली कड़ी के अंदर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति, जिंदाबाद।